मिलियन का उत्पादन लगभग 36 मिलियन का उत्पादन। लो ना लो ना, मेरे हम लोग शॉर्ट वीडियो शूट करवा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं और दिवेश जा रहे हैं स्वदेशी मेला घूमने के लिए साइंस मैदान। और आज जो है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, नए नवेले उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वो भी आ रहे हैं वहीं पे। तो देखते हैं उनसे भेंट मुलाकात होता है कि नहीं। और हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। मेला में क्या क्या है आप लोग पूरा इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। जो जो लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं घूम पाते हैं, बाहर से हैं, वो आज बिलासपुर का स्वदेशी मेला मेरे ब्लॉग के थ्रू देख लेना। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, वहीं से मिलते हैं ब्लॉग डायरेक्ट साइंस मैदान में। देखो हम लोग पहुँच गए हैं, ये है साइंस कॉलेज मैदान। और पुलिस वाले भी लगे हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा स्वदेशी मेला 15 से 21 दिसंबर, यहाँ अरुण साव जी का लगा हुआ है। यो यो, कहाँ लगाना है? इधर तो इधर लगाना है, गाड़ी पार्किंग करना है इधर साइड। वो देखो बड़ा सा झूला दिख रहा है ना, गोल गोल। चलेंगे दीपे झूले में? मैं नहीं जाता। दीपा को लेके जाऊंगा ऊपर। मेरे को कोई 1 करोड़ रुपया देगा तो मैं नहीं बैठूंगा। तो भी नहीं बैठेगा? अरे देखो भाई, 1 करोड़ देगा कोई तो भी नहीं बैठेगा। और इधर साइड में फूड चौपाटी लगा हुआ, पूरा खाने पीने का व्यवस्था सब दिखा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। डायरेक्शन अंदर जाओ करके। स्वदेशी मेला पार्किंग। तो आप लोग स्वदेशी मेला घूमने आते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पार्किंग का शुल्क है वो 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ पटा के आप इस बड़े से पार्किंग में अपना गाड़ी को सुरक्षित लगा सकते हो। उसके बाद पर्ची लेके अंदर घूमने जा सकते हो। यहाँ पर लग रहा है मुख्यमंत्री जी पहुँचने वाले हैं। ढोल बाजा चालू हो गया है तो मुख्यमंत्री बाद में आएंगे, पहले भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग पहुंचने के लिए बैंड बाजा बजा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, स्वदेशी मेला में बहुत सारा यहाँ पर जो बाइक्स का एक्सपो किया गया है, मतलब अलग अलग जो बाइक्स रहते हैं, बुलेट मेरी जान और स्कूटी और जितना बैटरी वाला गाड़ी रहता है। तो मैं अभी चल के दिखाता हूँ आप लोगों को बुलेट की, तो जो नई सीरीज़ आई है, एक नई सीरीज़ और एक और आई है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद वो भी खड़ी हो जाए। ये देखो यहाँ पर खड़ी है को हंटर, ये क्लासिक 350 और ये बुलेट मेरी जान नई वाली जो लॉन्च हुई है। ये वाला क्लासिक है, नया वाला है ना, ये भी नया वाला है। आ गया, देखो हम लोग वेट कर रहे हैं दीपक का, आएगा से भाई। एक और आएगा तो आ गया दीपक, साला इंट्रोडक्शन भी करने दे। तो दीपक आ गया है और हम लोग साथ मिलके पूरा इंस्टॉल चालू करेंगे। जो जो यहाँ से लगा वो दिख रहा है, ऐसे करके पूरा ये ग्राउंड पूरा घूमेंगे, ऐसे घूम के फिर अपना ब्लॉग जो है एंड कर देंगे। जो जो यहाँ पर हो रहा है उसको दिखा देंगे। चलो बिलासपुर में जितने दुकानें होते हैं ना, सबका इंस्टॉल यहीं पर लगा हुआ है। आपको अलग अलग प्रकार के जितने दुकान बिलासपुर में मिलेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म समझो, मतलब यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी सामान लो अभी किसी दुकानों में, ग्रिल है आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, चावल की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, सब। मैडम बाहर रखेंगे तो कड़ा हो ही जाएगा, वो कोई भी चीज़ आप बाहर रखेंगे कड़ा हो जाएगा मैडम। लेकिन इसको गर्म का बना हुआ है, इसको अभी गर्म करोगे तो इसमें वही देखो क्या हाल हो गया है। सुबह देखो तो छूटते देखो, इसको गर्म करेंगे इसमें तो वही है। यहाँ क्या है अपना डी आई क्या था, DKY वाला, DIY वाला चॉपर है, चॉपर चलो पिलर चॉपर दे। ये वाला तो घर में है भैया मेरे, क्या है, बढ़िया है, बढ़िया यूज़ होता है। एक बार मैं ऐसे काट के, ये क्या, वो काटने के लिए प्याज ऐसे छोटा छोटा, ये मसाला बारीक करेगा, प्याज मिर्ची अदरक धनिया सब कटिंग डालना डाल के चला। सब एक एक राउंड घूमना है बोलो। टैटू आर्टिस्ट यहाँ कर रहे माइक किचन, तो बर्तन है, इंडक्शन है, अटैचर की है।
डाल देगा और कंटिन्यू चला लगातार एक से डेढ़ घंटे पिसाई है पूरा 100% प्योर टी। ये दाम इसका दाम है 9,895 है, बट अभी ऑफर में आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा आपको 6,800, साथ में 3,000 का एक अटैचमेंट मिलेगा मिक्सर ग्राइंडर का, साथ में मिलेगा झन मिक्सर का झन। कौन से चीज़ का बना हुआ यार, आगे चले। अभी तो लाइट यहाँ कमज़ोर हो गया है, एक साइड का फ्यूज उड़ गया लग रहा है। अंदर चलो ना, अंदर 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 देख सकते, मशीन आया है तो मशीन आया है। एसिडिटी, अंबर ब्रास, कामराज बूटी, क्या क्या है यार, सब नया नया चीज़ सुन रहा हूँ मैं। रोशन धारा बूटी, ये सब जितने हैं सब जड़ी बूटियाँ हैं, अलग अलग चीज़ों में काम आता है। नहीं, जय सेवा समूह, कहाँ पर है ये, मतलब कहाँ पर बेच रहे हैं, मतलब बिलासपुर में कहाँ पर है इसका वो दुकान? बिलासपुर में नहीं, एमपी भोपाल से है। एमपी भोपाल से हैं, खासकर सिर्फ प्रचार करने के लिए अपना। हर बार आते हैं यहाँ पे, हर बार आते हैं। और बताओ भी इसके बारे में कुछ डिटेल। बढ़िया ही चीज़ें, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, बीपी के लोग फिटिंग, साइंस कॉलेज रोड चांटी डे बिलासपुर, ये बढ़िया स्टीम लेने के लिए अच्छा है। भाप फेंक रहा है यहाँ से, अपने फेस पे खड़े होकर भाप ले सकते हो या बाल में भाप ले सकते हो। क्या चीज़ के लिए भी आइए? स्टीम है सर, सर पे सर में नहीं, जिम का काम आता है, हाथ पैर दर्द। अच्छा, काम आता है हाथ पैर दर्द होता है तो जी उसी उसके लिए रूम में लगा दो और उसमें रूम में थोड़ा देर खड़े रहो ना, लगा के उसमें आयुर्वेद में यूज कर सकते हो आप। हाथ पैर जैसे जुकाम उकाम और सर्दी खांसी बुखार सब उसमें काम आता है। क्या प्राइस का है? 2500 रुपये का। और पानी नहीं डलता है इसमें कहीं से? पानी से काउंटेड है। अच्छा, यहाँ से पानी लगाया हो क्या? हाँ, से काउंटेड रहेगा। और कितने देर, जब कितने देर चला सकते हो? कंटिन्यू चला सकते हो, कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, दो घंटा चल जाएगा। नहीं, बढ़िया लग रहा है। 2500, इतना बड़ा मेला लगा है कि मेरे दोस्त लोग भटक गए हैं। यहाँ पर खड़ा हूँ मैं बाहर में, थोड़ा देर बाद बोल रहे हैं कि तेरे खोजते खोजते हम लोग आएंगे, अभी मेरे वो लोग खोज रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जस्ट झूला के बगल में। और सामने में देखो मस्त काउंटर लगा हुआ है सब बर्तनों का, और यहाँ पर एक से क्या है भैया, क्या दिखा रहे हो? फाइबर का प्लेट है भाई, फाइबर प्लेट है पूरा जी। क्या प्राइस का है सब? अलग अलग, सब अलग अलग प्राइस का है। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग उत्तर प्रदेश कानपुर से। अच्छा, तो आप लोग को न्योता गया था यहाँ से जी? आप लोग को यहाँ से इन्विटेशन गया था कि आने के लिए जी, 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 जी। यूपी में कहाँ से हो? कानपुर से। कानपुर से जी। ये प्लास्टिक फाइबर का है, गिरेगा टूट सकता है ना? टूटता फूटता नहीं है, फटता पे गिरने से। गिरता नहीं, फटता है? नहीं, टूटता नहीं। अच्छा, क्या मरवा लेना, लिख कर तो ले के देना। भोपाल से आए, लिखना नहीं है, फॉर्म नहीं बताएगा तुम लोगों को। अच्छा, फॉर्म जो भरते हैं अपन। हाँ, जो पहले भरते फॉर्म दिखाओ इसका, चलो बांसुरी वाला आके वो फॉर्म भर रहा है, 2000 रुपये एडवांस देके जा रहा है बांसुरी। क्या प्राइस का है ये वाला? ये वाला 120 का आएगा, एक पीस 120 रुपए का है। फायर पान नहीं खाएंगे हम लोग, हम लोग सोच रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो बड़ा सा झूला है ना उस पर जाके झूलेंगे। हमने तो अच्छा है ना इसमें, हाँ ऐसे लेके रखते हैं स्क्रीन शॉट मारने के लिए। लो ना मेरे, हम लोग शॉर्ट वीडियो शूट करवा रहे हैं दीपेश से, देखो पीछे खड़ा है, हम लोग का शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं मस्त, पीछे व्हील्स के साथ में। कपड़े वाले स्टॉल से निकाल के अब झूले वाले दोनों साइड आ गए हैं, इधर पूरा पीछे ना बड़ा झूला से लेके पूरा छोटा झूला लगा हुआ है, दिखाता हूँ। सब बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं झूले में, यहाँ चालू है झूला मोटू पतलू। मैं पूरा झूला ही झूला लगा हुआ है, सबसे अच्छा तो ये वाला है, पर इसमें झूलेंगे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि राजपूत को जो डर लगता है इसलिए नहीं झूलूंगा बोल रहा है। पर ये है बहुत हाइट में ना, नॉर्मल वाले से बहुत बड़ा है ये। चल पानी चल आ गया, सब झूला बंद है यार, सब दौड़ कर रहा है लगभग सभी झूला बंद है, सिर्फ एक दो झूला ही जो है चालू है, बच्चे लोग दौड़ रहे हैं, अभी सब खतरनाक खतरनाक झूला सब बंद है। लगभग यहाँ पर सभी झूले जो है सबका रेट यहाँ पर 70 रुपये है,
यहाँ पर 80 रुपये है आज का, 6 राउंड लगेगा इस वाले का। ये जिगजैग टाइप का झूलता झूला, इन और आउट। ये क्या है, हेलीकॉप्टर झूला, केवल बच्चों के लिए। ये 20 रुपये का चना गरम, चोर गरम ठंडा है। तो भाई जितना अंदर में काउंटर लगा हुआ है सबको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया गया है और इन लोग से कुछ चार्ज किया गया है ताकि इन लोग अंदर में घूम घूम के अपना जो भी काउंटर है चना चोर गरम हो गया, चाय हो गया, बेच सकें। देखो दिखाता हूँ आपको कैसा है वो आईडी कार्ड। वो आईडी कार्ड कुछ इस तरह का है, ठीक है। उसमें उन्नत भारत स्वदेशी मेला स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत 15 से 21 दिसंबर साइंस कॉलेज में मिलापुर। इसमें लिखा है स्टॉक लेमन टी। और भैया यहाँ पर चाय बेच रहे हैं और इनको चाय बेचने के लिए यहाँ पर कितना दिन के लिए भैया, कम से कम 5 दिन के लिए यहाँ पर 1200 रुपये पेड करना पड़ेगा ना भैया। हाँ, भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी एवं बिक्री। नहीं नहीं, पूरा लेडीज़ वाला है यार, लेडीज़ वाला है, नहीं जाएंगे इसमें। झुमका और कपड़ा, जूती चप्पल यही सब है, नहीं जाएंगे। चौपाटी में पूरा पीछे चौपाटी लगा हुआ है, पूरा चौपाटी वाला एरिया है। खाने पीने का फूड सेंटर, मथुरावासी चाट में, मथुरावासी चाट में दोनों। शेगांव कचोरी सेंटर, शेगांव महाराष्ट्र। भैया कहाँ है ये शेगांव, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, अकोला के बाजू में। अकोला के बाजू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वहाँ का ये स्पेशल है, ये वहाँ का प्रसिद्ध कचौड़ी है। प्रसिद्ध कचौड़ी, क्या उसमें क्या मसाला डाला है? बेसन का मसाला रहता है, बेसन का मसाला। चटनी तो अपना नारियल वाला ही लग रहा है। फलीदाना, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह। और वो चना दाल, चना दाल नहीं। अच्छा, कैसे रुपए प्लेट लगा रहे हो? और बढ़िया है बोलते, ये स्पेशल आइटम है महाराष्ट्र का, स्पेशल आइटम है भी महाराष्ट्र का। कैसे रुपए प्लेट लगा रहे हैं? 40 रुपए प्लेट। 40 रुपए प्लेट है ना। अच्छा, ये सांभर बड़ी, हम सांभर बड़ी, सांभर बड़ी। इसके अंदर क्या डाला है? इसमें फलीदाने, खोबरा खीस, खसखस, तिल्ली, हरा धनिया का मसाला, सब आइटम डाले। बढ़िया, चटपटा टाइप का, चटपटा, फिर खट्टा मीठा तीखा। क्या है ये? सांभर वड़ी लिखा, सांभर, सांभर सांभर नहीं, सांभर कचौरी। मथुरावासी चाट भेल सेंटर, सब मथुरावासी हैं। पूछोगे तो बताएंगे लोग यूपी से आए करके। यहाँ पर आ रहे डोसा, नॉर्मल डोसा है जो रेगुलर हम लोग खाते हैं। ये बड़ा पाव है दिल्ली। तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं अधिकारियों की और स्वदेशी मिला का यहाँ पर, यहीं पर आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। माननीय जवाहर सराफ जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में, अरुण साव जी तक पहुंचता के बैठने के लिए यहाँ पर देखो चेयर का व्यवस्था किए हुए हैं। आयोजन समिति की तरफ से उन्हें और थोड़ी देर बाद आएंगे तो वहाँ पर से लोगों को संबोधित करेंगे। सर सम्मान, तो मैं हूँ अभी SECL के काउंटर में जहाँ पर एक प्रदर्शनी जैसा बनाया गया है। केनापारा, बंद पड़ी खदान ने लिया सुंदर पर्यटन स्थल का रूप। वो जो खदान, जो केनापारा में खदान है, वो जो बंद पड़ी थी, तो उसका एक तो सुंदर इन लोग क्या किए ना, देखो बस डिजाइन सब बनाए हुए हैं, मतलब तो इसको डेवलप किए हैं एज अ इको फ्रेंडली। ग्रीन फील्ड हुआ वहाँ पर, वाटर को भी यूज़ किए हैं। तो इसको मैं भैया से और कुछ डिटेल पूछता हूँ, आप जा रहे हैं। बंद पड़ी खदान का हमने एक इको पार्क में डेवलप किया है। कौन से खदान, कहाँ पे है ये? ये विश्रामपुर, सूरजपुर जिले में विश्रामपुर एरिया था। तो उसी का अपना खदान पहले था, तो वो धीरे धीरे अपना कोयला जो निकलना था वो निकल गया। तो उसके बाद अपना धीरे धीरे उसमें पानी भर गया। तो पानी भरने के बाद हमने उसमें वाटर बॉडी तो था ही हमारे पास, उसके आसपास हमने ऐसा हरा भरा एरिया डेवलप करके, प्लांटेशन करके, और आपका कॉटेज वगैरह, बोटिंग, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वगैरह लगा के उसमें प्रॉपर टूरिज्म में डेवलप कर दिया। तो उसको डेवलप हो गया। हाँ, अच्छा, वो यहाँ पर एज ए मॉडल दर्शाए हैं, जैसे सेम बना हुआ है जैसे यहाँ पर दिख रहा है। लोगों को रुकने के लिए, रात को टूरिस्ट कोई आया वो रुकना चाहता है, पिकनिक करना चाहता है, तो आप कॉटेजेस हैं, आप उनमें रुकिए बढ़िया आराम से। बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड, एक पार्क बनाया हुआ है, एक शॉपिंग मार्ट भी बनाया हुआ है शुरुआत में। उसमें क्या, अपना जो लोकल प्रोडक्ट्स है छत्तीसगढ़ के, जो लोकल क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, आप मिल जाएगा। उधर पेड़ पौधा है, हरा भरा है, व्यू अच्छा, पॉइंट आता है, व्यू अच्छा आएगा, वो लेते हैं।
प्रतिबद्ध। और भैया इसका चार्ज क्या है वोटिंग से? अपन यहाँ पर जाते हैं वोटिंग करने के लिए, वोटिंग नॉमिनल चार्जेस रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये सारा जो ऑपरेशन है ये आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मछली, ये आपका महिलाओं का एक स्वसहायता समूह है, स्वसहायता समूह, वो लोग ही पूरा ऑपरेट करते हैं वोटिंग से लेके आपका एंड आगे पीछे तक का सारा सब कुछ वही ऑपरेट करते हैं, तो नॉमिनल चार्जेस। अच्छा, तो यहाँ पर वो गढ़ कलेबा जैसे जो छत्तीसगढ़ का व्यंजन व्यंजन रहता है वो भी अपने को यहाँ पर खाने पीने को मिल जाएगा। वोटिंग रेस्टोरेंट आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको सब, अच्छा वो रेस्टोरेंट में ही सब मिलेगा ना यहाँ से? बीच में आपका जो है एक किसी कल्चर का सेट भी बना है मछली पालन के लिए, तो जो महिलाएं हैं अपनी महिला संगठन है वो मछली पालन करते हैं, मछली होता है उसको बेचते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं विशेषकर आदिवासी लोग हैं तो उनको रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। तो कम्प्लीटली एक तरीके से कोई प्राइवेट नहीं कुछ नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपना खुद से शुरुआत करते हैं, खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, आस पास के लोग नौकरी मिल रही है, अच्छा एक स्पॉट मिल गया घूमने के लिए। ओवरऑल एक मतलब मेन एम ये है कि खदान बंद होने के बाद भी वो किसी यूज में आ रही है, ऐसा नहीं कि खदान बंद होगी तो स्पॉट बेकार हो गया। लगभग 36 मिलियन टन था और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कंपनी ने रिकॉर्ड 167 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया। SECL के इस गौरवशाली विकास यात्रा में खनन मनीषियों की, हमारे भूतपूर्व नेतृत्व शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 24 मिलियन टन से अधिक की वार्षिक वृद्धि के साथ SECL ने एक वर्ष में सर्वाधिक कोयला उत्पादन का कीर्तिमान बनाया। गेवरा खदान में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी तथा अब 70 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की ओर अग्रसर है। कुसमुंडा द्वीप का सहित कंपनी की मेगा परियोजनाएं अपने स्वरूप, संचालन व विस्तार में राष्ट्र के ऊर्जा नक्षत्रों की तरह दबा रहे हैं। पार्क माइंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं के जरिए इको पहुंच गए, उनसे गाड़ी का एंट्री होने वाला है, ये देखो यहीं से एंट्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रथम शहर में आगमन है KG02 KG009। ये वो अंदर बैठे हुए हैं, सब अभी नमस्ते कर रहे हैं, हाथ और मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं सीएम साहब से। बता देता हूँ आपको, रायपुर से चल के आई है गाड़ी डायरेक्ट नेशनल हाईवे से होते हुए। छत्तीसगढ़ शासन की गाड़ी है 02। लास्ट में कोरबा की गाड़ी है, सॉरी बिलासपुर की गाड़ी है कोर्ट वाली। ये है विधायक बेलतरा, अच्छा भतीजा, ये अतिथि कक्ष है, यहाँ पर जो है साहु जी का अपना एक भाई है और साहु जी का यहाँ पर वो हो रहा है, सम्मान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का जगह जगह स्वागत हो रहा है, हर स्टॉल में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं ढोल बाजा भी बज रहा है, लोग उनको बुके दे रहे हैं। वो देखो वहाँ पर है अरुण साहु जी, वहाँ पे है, भीड़ भाड़ है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, भीड़ भाड़ में कूद के मरने का शौक नहीं है मुझे बिल्कुल, मैं दूर से देख लूँगा उनको, देखते हैं यहाँ से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, पास चलते हैं सब, यहाँ तक आए गए हैं तो एक पास चले जाते हैं, तो यहीं पे ये हमारे VC जी हैं, VC अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, तो ठीक है वाइस चांसलर सुना अभी जो मैंने, हाँ बोला कहाँ जाएगा, पीछे पीछे जाएगा, पीछे पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, हम लोग यहाँ से वापस चल देंगे, क्या करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हो लाखों की भीड़ है, यहाँ पे बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, हमारे देखो इतने लोग आए हुए हैं पहुंचे हुए हैं, समस्त
सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, लोगों को जगह ही नहीं मिल रहा है। आयोजन समिति की तरफ से कृपया नीचे सामने स्थान ग्रहण करें। अतिथियों को यहाँ पर पीछे में बिल्कुल सीट नहीं बैठने के ना, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सुशील श्रीवास्तव जी, इतना भीड़ है भाई कि आदमी को पैर रखने का जगह नहीं है, आप लोग देख सकते हो, है ना। नहीं, हम लोग खड़े हैं, यहाँ जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? अच्छा, वहाँ पे वो जा रहे हैं। मित्रा जी से अनुरोध है, वो स्वदेशी मेला घूम लिए हैं और दीपेश लोग जो है बाहर चले गए हैं। और मैं अभी जो SECL के काउंटर पे गया था, उन लोग जो बनाए केंद्रापारा में पर्यटन स्थल, वो बहुत ही देखने लायक था, क्योंकि जो SECL खदान जो है वहाँ पर बंद हो गया है। तो बंद होने के बावजूद भी समझ जाओ कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किए, ताकि वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेंस रहती है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सके और वहाँ पे महिलाओं लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। दोस्तों, हम लोग जो है स्वदेशी मेला घूम लिए हैं। पीछे में देखो आ गए, और यहाँ पर हम लोग खाने के लिए वहाँ पर खा रहे हैं चाट गुपचुप, और मैं खा रहा हूँ दही गुपचुप। अगर वीडियो में कुछ भी पार्ट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट बड़े से वीडियो में, तब तक बाय, टाटे केयर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। देखो ये अपना यहाँ पर बन रहा है दही गुपचुप, खड़े हैं मुंडी घुसा दे रहे सब।